बड़ी खबर इस बीच कानपुर से, जहां फ्रास्ट इंटरनेशनल के केवाईसी दस्तावेज सीज किए गए हैं। कल्पना प्लाजा स्थित ऑफिस में सीबीआई ने एक कार्रवाई की है, जहां हाईसी बिजनेस की आड़ में बैंकों को चूना लगाया जा रहा था, तो बैंक के प्रबंधन निदेशकों पर भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निदेशकों और कर्मचारियों से देर रात सीबीआई ने बात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से मिल रही है, जहां फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के केवाईसी दस्तावेज जिनको सीज किया गया है, कल्पना प्लाजा स्थित ऑफिस में सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसमें बिजनेस की आड़ में बताया जा रहा है कि बैंकों को चूना लगाया गया है, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशकों पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही कर्मचारियों से देर रात सीबीआई ने इस पर बात भी की है। तो बैंकों को चूना लगाया जा रहा था और इसी के तहत कार्रवाई जिसको अंजाम दिया गया। नीरज अवस्थी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, कल रात इसमें कहा जा रहा है कि निदेशकों के साथ साथ ही कर्मचारियों से भी बातचीत की गई है, क्या उसमें जानकारी हासिल हो पाई है और क्या कार्रवाई अभी भी जारी है? लेकिन तो आपको बता दूं, बीती 21 तारीख को कानपुर में सीबीआई की टीम आई थी, जो बिहार रोड के कलकला प्लाजा स्थित जो फास्ट इंटरनेशनल ऑफिस है वहां पर छापेमारी हुई थी। बड़ी टीम थी वहां पर, लगातार छापेमारी चल रही थी। उसके बाद जो टीम थी वहां से रवाना हो गई थी, लेकिन चार लोगों की टीम यहां पर रुकी थी, जो लगातार उनके दस्तावेज जो हो वो सीज किए गए हैं। अन्य कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद अब इनके जो अन्य केवाईसी दस्तावेज है वो सीज किए गए हैं, साथ ही जो बैंक प्रबंधक के निदेशक हैं उनके ऊपर भी जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई बिल्कुल तय मानी जा रही है। इसके साथ ही सीटों को भी फ्रॉड की जो जाँच है वो सौंप दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नीरज जुड़ेंगे एक बार फिर से, अपडेट लेंगे। तो नीरज जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि कार्रवाई अब निदेशकों पर भी की जाएगी, साथ ही निदेशकों और कर्मचारियों से देर रात सीबीआई ने इस मामले को लेकर बात की है। बताया जा रहा है कि फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के केवाईसी दस्तावेजों को सब सील किया गया है। दरअसल ये बैंकों को चूना लगाया करती थी और ऐसे में फिलहाल इस पर एक कार्रवाई जिसको अंजाम दिया गया।